प्रूफ ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो मान लो ये आपके पास एक बॉडी है और मैंने आपको क्या बताया कि बॉडी क्या होनी चाहिए, एक लेमिना। लेमिना का मतलब 2D बॉडी, ठीक है, जैसे एक रिंग है, डिस्क है, इस प्लेन में। तो सपोज ये क्या है, ये जेड एक्सिस है, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। तो बनाते रहो प्लीज। तो इसमें जेड एक्स और वाई कॉपी में लिखते जाना प्लीज, ठीक है। तो मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट मास पड़ा हुआ है m1, कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है जिसका मास क्या है m1। इस m1 का जो कोऑर्डिनेट है सपोज वो कितना है, x1, y1, z1। x1, y1, z1 का मतलब क्या है कि x में कोऑर्डिनेट x1 है, y में y1 है, और z एक्सिस के लॉन्ग दूरी क्या है, z1। 3D चल रहे। तो जब मैं बोलता हूँ x1, तो x1 का मतलब क्या है, क्या ये बात समझ में आती है कि x1 का मतलब है कि ये जो x एक्सिस है इसके अलॉन्ग इसकी दूरी क्या है, x1 है। जब मैं बोलता हूँ y1, तो y1 का मतलब y एक्सिस के ऊपर दूरी क्या है, y1। ये बात समझ में आ रही है कि जैसे ये x1 है और ये y1 है, यही है कोऑर्डिनेट्स का मतलब, यही होता है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालनी है आई की अलोंग एक्स एक्सिस, तो अगर मेरा एक्सिस एक्स है और मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग आई की वैल्यू बतानी है, तो मैं इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूंगा। कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूंगा, इस एक्सिस से, जो कि कितने है? कितने बोलो, x1 की y1 बोलो कितने, x1 की y1। यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, आई एक्स एक्सिस। तो बोलो m1 इज अ पॉइंट मास, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m1 इंटू एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बोलो यहाँ पर क्या आएगा, m1 इंटू क्या, y1 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपको ये एक्सिस गिवन है और आपको m1 की दूरी इस एक्सिस से निकालनी है परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ पर कितनी है, y1 है। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आधे लोग तो एक्स देख के यहाँ पर x1 ही पुट कर देंगे उल्टा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, हमने अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस ही देखना, फ्रॉम एक्स एक्सिस देखना है। तो एक्स एक्सिस से दूरी क्या है, y1, तो m1 into y1 square। अगर एक और पार्टिकल होता है m2, तो उसका क्या होता है, m2 into y2 square। ऐसे करते 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 nth होता है mn into yn square, राइट। और इसके अंदर ये भी बता दूं, ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये वाला, ये क्या होगा, z1, क्योंकि एक्सिस z है, z एक्सिस दूरी क्या है, z1। तो x1, y1 एंड z1। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अलोंग क्लियर है। थोड़ा मैथ्स लगा लेते हैं, x एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू समेशन। समेशन मैथ्स में करते हैं, m1, m2, m3, m4, m5 की जगह mi, y1 स्क्वायर, y2 स्क्वायर, y3 स्क्वायर, y4 स्क्वायर की जगह yi स्क्वायर, वेयर i स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू n, इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो इसमें x एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई, ये आ गई। ठीक, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, हमने इसमें बहुत सारे मासेस क्यों लिए? पॉइंट मासेस ले सकता हूँ, मेरी मर्जी है। डीएम लूं या रिंग का कुछ ऐसे लूं, डिस्क का डीएम रिंग की तरह? नहीं सर, आपने तो सिर्फ m1 लेने को बोला था ना। हाँ, पहले मैंने m1 के लिए डायग्राम बनाया, ऐसी एक और पार्टिकल होता होगा m2, नया डायग्राम बनेगा, m3 नया डायग्राम बनेगा, क्योंकि मेरे को टोटल मोमेंट इनर्शिया निकालना है पूरी बॉडी का। मान लो डिस्क है, तो पूरी बॉडी में तो m1 m2 m3 सभी का लेना पड़ेगा ना, एन तक। ओके सर, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे y एक्सिस के अलोंग निकालना है, तो बोलो पहले पार्टिकल m1 का क्या होगा, सिर्फ एक पार्टिकल m1 का, m1 इंटू y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो कितना है यहाँ पर, x1, तो x1 का स्क्वायर। अगर दूसरा पार्टिकल लिया जाए तो x2 का स्क्वायर, आखिरी लिया जाए mn इंटू xn का स्क्वायर। तो y एक्सिस में समेशन अगर लगाएंगे, सिग्मा mi xi का स्क्वायर फ्रॉम i वेरीज फ्रॉम 1 टू n। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक?
ठीक है यहाँ तक? तो x के अलोंग आ गया, y के अलोंग आ गया, ठीक। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड करें, तो x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी एम आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस एम आई वाई आई का स्क्वायर। ये लो, तो x और y एक्सिस की इक्वेशन को ऐड करो तो ये क्वेश्चन आ गई। ठीक है यहाँ तक? तो एक काम करते हैं, इसमें हम i ऑफ x एक्सिस प्लस i ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू सिग्मा, एम आई कॉमन निकालते हैं तो क्या आएगा, x i का स्क्वायर प्लस y i का स्क्वायर, वेयर i फ्रॉम 1 to n कॉमन आ गया। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई। अब अगर यहाँ पे देखें, ठीक है यहाँ पे देखें, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में जेड वन स्क्वायर क्या होगा, जेड वन स्क्वायर इज एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। ऐसे अगर एम टू पार्टिकल होता तो उसकी इक्वेशन क्या बनती, जेड टू स्क्वायर इज एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही जेड आई स्क्वायर की इक्वेशन क्या बनती, z i स्क्वायर इज x i स्क्वायर प्लस y i स्क्वायर। पहले 1 की, अगर ये 1 है तो ये 1 1 1, 2 है तो 2 2 2, i है तो i i i, n है तो n n n, ठीक। तो उस हिसाब से यहां पर जो आंसर आएगा x का और y का वो क्या आएगा, m i into z i का स्क्वायर ऐसे, और इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, एम वन जेड वन स्क्वायर, एम टू जेड टू स्क्वायर, एम थ्री जेड थ्री स्क्वायर, एम एन जेड एन स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। तो हो गया प्रूफ, जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स और वाई के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल आएगा। यही हमारी क्या थी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस।